धनबाद जिले के श्री श्री लक्ष्मी नारायण महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज के सामने लूबी सर्कुलर रोड पर उतरकर सड़क जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि कोरोना काल में जब परीक्षाएं हुई ही नहीं तो फिर किस आधार पर कई छात्राओं को फेल कर दिया गया। छात्राओं ने बताया कि 180 अंक लाने वाले विद्यार्थी पास हो गए हैं जबकि 280 मार्क्स लाने वाले फेल कर दिए गए हैं। इस भेदभाव वाली नीति के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करने के लिए छात्राएं सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। वहीं धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में भी ईबीवीपी के बैनर तले 12वीं के छात्रों को फेल करने के विरोध में जमकर जैक चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की गई और फेल छात्रों को पास करने की मांग की गई। छात्रों ने कहा कि कुछ छात्रों को प्रैक्टिकल के एग्जाम देने के बावजूद भी एब्सेंट बताकर फेल कर दिया गया है। फेल कर दिया गया, किस वजह से फेल किया गया इस छात्रों को भी पता नहीं है, ना किसी को पता है। ये बताना किसका जिम्मेदारी होगी कि किस बेसिस पे इन लोगों को फेल किया गया, और अगर फेल किया गया तो जब एग्जाम हुआ ही नहीं तो फेल क्यों किया गया, सबसे बड़ी मुद्दा ये है। और सब इन लोग का भविष्य का क्या होगा, 150 से ज्यादा एक पिकेरा कॉलेज में, ऐसे सेलेंटी कॉलेज में बहुत सारी छात्राएं वनों फेल है, इतना इतनी संख्या में पूरा जो है कोयलांचल में स्टूडेंट फेल है जो, और इसका जो जैक चेयरमैन है उनको बताना होगा कि इसके इसका क्या मतलब बुनियाद है जिसपे सारे विद्यार्थियों को फेल किया गया। क्लास 11 में प्रमोट कर चुके थे तो 12 में क्यों फेल हुए, और जबकि इस बार तो एग्जाम हुआ ही नहीं है तो थ्योरी में हम लोग को इतना कम मार्क्स क्यों मिला गया। ठीक है हम लोग को कम मिला पर 1-2 मार्क्स से किसको फेल किया जाता है, दिक्कत क्या रही? और यहाँ परेशानी क्या है, हम लोग को पास होना है किसी भी हालत में, हम लोग सप्लीमेंट्री हम लोग लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बच्चा 2 मार्क्स से फेल हो रहा है तो उसको क्यों फेल किया, 2 मार्क्स तो ऐड कर सकता है जैक काउंसिल। और यहाँ पे किसी बच्चे का अगर 245 आ रहा है तो उसको फर्स्ट डिवीजन से पास किया जा रहा है, जबकि मेरा 280 आ रहा है तो मेरे को डायरेक्ट फेल किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर स्टूडेंट का यही है कि अगर उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है तो फिर भी उसको फेल कर दिया जा रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।